बुरहानपुर जिले के शाहपुर उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल में मध्याह्न भोजन में सड़े हुए गेहूं का उपयोग किया गया था। खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद उर्दू स्कूल में उपलब्ध अनाज को समिति को वापस कर दिया गया। अब विद्यालय के विद्यार्थियों को स्वच्छ और स्वच्छ खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी पुष्टि विद्यालय के प्राचार्य आसिफ अहमद खान ने की है। वो जो मध्याह्न भोजन खराब आया था तो उसको सेल्समैन को वापस कर दिया गया और वो अब रिटर्न मतलब अच्छा खाद्यान्न दे दिया गया। गेहूँ था, चावल तो हमेशा अच्छे आते हैं। अच्छा, कभी कभार गेहूँ में कोई बोरा ख़राब निकल जाता है तो वो उसको रिटर्न कर देते हैं, फिर बाद में बदल दिया जाता है उसको। बुरहानपुर जिले की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल का ये मामला है, जहां भोजन के लिए सड़े हुए गेहूं का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसी की शिकायत के बाद इस गेहूं को वापस किया गया है और नया अनाज वहां पर आया है, जिसकी वजह से अब वहां लोगों की समस्या को दूर किया जा सका है। साथ ही आपको बता दें, ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ये उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल की तस्वीरें हैं, जहां पर ये गेहूं आप देख सकते हैं जिसका भोजन बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था और लगातार इसकी वजह से लोगों को काफी समस्या हो रही थी और वहां ये खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद ये सीधा असर देखने को मिल रहा है और जितना भी सड़ा हुआ गेहूं वहां पर था उसको वापस किया गया है, उसकी जगह वहां पर नया अनाज आया है, जिसके बाद देखा जा सकता है कि भोजन के लिए अब नए अनाज का इस्तेमाल किया जा रहा है और सड़ा हुआ गेहूं पूरी तरीके से अब वहां से वापस कर दिया गया है। इस खबर को लगातार प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद ये बड़ा असर इस बार देखने को मिला। बुरहानपुर जिले के शाहपुर उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल का ये मामला है, जहां पर भोजन की जब चेकिंग की गई तो उस दौरान पाया गया कि वहां पर सड़ा हुआ गेहूं इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, उसके बाद ये बड़ा असर बुरहानपुर में देखने को मिला है और वहां पर इस पर एक्शन लिया गया और सड़े हुए गेहूं को तुरंत वहां से वापस किया गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, अगर बात करें उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल की, तो वहां पर सड़े हुए गेहूं का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से इस पर एक्शन लिया गया है। अब किस तरीके से वहां भोजन बनाया जा रहा है और क्या असर इसका देखने को मिला? जी, बता देना चाहूंगा आकांक्षा की, जैसे बुरहानपुर के शाहपुर के उर्दू स्कूल में जो है यहाँ पर जो है मध्याह्न भोजन में जिस तरह से गड़बड़ी का मामला एनके न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद यहाँ पर जो सड़ा गेहूं जिसको बदबूदार गेहूं कहते हैं, और बदबूदार गेहूं के चलते जो है रोटियां बनाई जा रही थी और जो नॉन निहालों को परोसी जा रही थी, इस मध्याह्न भोजन में जिस तरह से गड़बड़ी का मामला एनके न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, उसके बाद यहाँ पर जो है इसका खबर का असर भी देखने को मिला है। अब यहाँ का जो खराब गेहूं था वो अब सोसाइटी को वापस किया गया है। अब देखना होगा कि बच्चों नौ निहालों के लिए किस तरह का गेहूं वहां पहुंचता है और उसको लेकर के किस तरह के जो है अब मध्याह्न भोजन में अब सुधार आएगा। जी आकांक्षा, ठीक है, गोपाल देवकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस खबर को पूरी प्रमुखता के साथ दिखाया गया और उसका बड़ा असर देखने को भी मिला है, नवीन उर्दू माध्य शाहपुर का ये स्कूल है, जहां पर देखा जा सकता था कि सड़े हुए गेहूं को इस्तेमाल किया जा रहा था और तुरंत इस पर एक्शन लिया गया और सारा गेहूं वापस किया गया है। अब देखना होगा कि विद्यालय में किस तरीके से भोजन तैयार किया जाता है और जिस तरीके से स्वच्छ भारत की बात होती है, कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि इस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा और अब स्वच्छता के साथ वहां पर भोजन तैयार किया जाए।